कनिष्क त्रासदे विच 329 मासूम जाना गईयां, पर इन्नी वड्डी तबाही लैण वाले मुजरमां दा की बणिया? क्या इस दे मुजरमां नूं अपने किते दी सज़ा भुगतनी पई? अज असी इसी बारे ही गल करांगे। इन्नी वड्डी साजिश नूं तोड़ चढ़ाना किसी एक व्यक्ति दा काम नहीं सी, पर 37 साल बीत जाण तों बाद भी इस मामले विच सिर्फ एक व्यक्ति नूं ही सज़ा मिली है। बाकी साजिशकर्ताओं नूं ना तो सज़ा मिली है और ना ही मिलण दी हुण कोई आस है। इस मामले विच कन्विक्ट होण वाला इको एक शख्स इंद्रजीत सिंह रैयत भी अपनी सज़ा पूरी कर चुकिया है, तो हुण कैनेडा विच करीब करीब एक नॉर्मल सिटीजन की तरह अपनी जिंदगी गुजार रहा है। हादसे के तुरंत बाद कैनेडा दियां जांच एजेंसियां हरकत में आ गईयां सी। शक की सुई पूरी तरह कैनेडा विच उस वक्त सरगर्म सिख वक्फवादियों उत्ते सी। पंजाब विच अतवाद उस वक्त अपने उरूज ते सी। ऑपरेशन ब्लू स्टार ते सिख विरोधी दंगियां तो बाद कैनेडा विच बैठे खालिस्तान समर्थकों के भारत विरोधी जज्बात नफरत विच बदल चुके सी। सब तो पहला शक बब्बर खालसा इंटरनेशनल ते सी। शक के दायरे में आने वाले नामों में बब्बर खालसा कैनेडा का तलविंदर सिंह परमार का नाम सब तो उपर सी। इस तो अलावा ब्रिटिश कोलंबिया में रह रहा अजायब सिंह बागड़ी, अपने आप नूं खालिस्तान का काउंसल जनरल कहण वाला सुरजन सिंह गिल, तलविंदर सिंह परमार का नज़दीकी हरदयाल सिंह जौहल ते दलजीत सिंह संधू भी शक के दायरे में सी। पर कैनेडा दियां जांच एजेंसियां इन्हां विचों एक दे खिलाफ भी दोष साबित नहीं कर सकियां। बम नूं असैंबल करन वाले इंद्रजीत सिंह रैयत नूं ही अदालत विच कसूरवार साबित किया जा सकिया, ते इस दे लई उस नूं 15 साल की कुल सज़ा होई। इंद्रजीत सिंह रैयत भी शायद साफ बच निकलिया होंदा जे उसदे तार उसी दिन जापान के नरीता हवाई अड्डे ते होए ब्लास्ट नाल ना जुड़ गए होंदे। जापान के जांचकर्तावां ने साबित किया कि नरीता बम ब्लास्ट के लिए सैनियों का ट्यूनर इस्तेमाल किया गया सी। इस लीड के आधार पर यह साफ होया कि रैयत ने इस ब्लास्ट विच इस्तेमाल हुए सैनियों के ट्यूनर ते बाकी साजो समान की खरीद की सी। वैंकूवर टापू के डंकन विच ऑटो मकैनिक अते इलैक्ट्रीशियन का काम करने वाला इंद्रजीत सिंह रैयत काफ़ी देर तक इस साजिश विच शामिल होने तो इनकार करता रहा। हालांकि वह यह मन गया कि उसने विस्फोटक समागरी अते दूजे हथियार गैर कानूनी तौर पर अपने कोल रखे सी। इस दे लई उसनू सिर्फ $2,000 का जुर्माना किया गया। इस दे 3 महीने बाद रैयत अपनी फैमिली नाल कैनेडा छड़ के इंग्लैंड मूव कर गया, पर कुछ दिनों बाद जांच एजेंसियां रैयत का नरीता ब्लास्ट नाल लिंक स्थापित करने विच कामयाब हो गई। ब्रिटिश सरकार नू रैयत नू एक्सट्राडाइट करन दी रिक्वेस्ट की गई। 1989 दे दसंबर दे महीने विच रैयत फिर तो कैनेडा पुलिस की गिरफ्त विच आ गया। मई 1991 आखिरकार उसनू कैनेडा की अदालत ने 10 साल कैद की सज़ा सुनाई, पर यह सज़ा नरीता हवाई अड्डे ते हुए ब्लास्ट ते उस तो बाद हुई 2 मौतों नू लैके सी। कनिष्क हादसे विच अजे भी उसनू सज़ा मिलने का कोई इमकान नज़र नहीं आ रहा सी। 6 जून 2001 नू रैयत नू एयर इंडिया बॉम्बिंग मामले विच अरेस्ट किया गया। उसते हत्या अते बॉम्बिंग की साजिश रचण के आरोप लगाए गए। अदालत ने रैयत नू दोषी मनिया ते उसनू 5 साल की कैद की सज़ा सुनाई, पर रैयत ने साजिश विच शामिल किसी भी होर व्यक्ति का खुलासा करन तो इनकार कर दिता। रॉयल कनेडियन माउंटेड पुलिस यानी RCMP ने इस मामले में रिपू दमन सिंह मलिक ते अजायब सिंह बागड़ी नू भी गिरफ्तार किया, पर अदालत विच इन्हां दे खिलाफ पुख्ता सबूत पेश नहीं होए। दोनों नू सबूतों के घाट के चलदियां रिहा कर दिता गया। हालांकि इंद्रजीत सिंह रैयत की रिहाई साल 2006 विच भी नहीं हुई। उसके खिलाफ हल्फिया बयान विच झूठ बोलने का दोष लग्या। उसते दोष लगाया गया कि उसने अपने बयान विच 27 बार झूठ बोलिया है ते अदालत नूं गुमराह करन दी कोशिश कीती है। इस मामले विच उसनू 9 साल की कैद सुनाई गई। इंद्रजीत सिंह रैयत आखिरकार 14 फरवरी 2017 नूं अपनियां सजावां भुगतन तो बाद रिहा हो गया। कनिष्क ब्लास्ट मामले विच ये इक्को एक कन्विक्शन सी। इस गल ते कदे भी कोई विश्वास नहीं करेगा कि इन्ने वड्डे पद्धर दी साजिश नू सिर्फ एक शख्स ने अंजाम दिता। बाकी साजिशकर्ता अजे भी इन्ना वड्डा ते इन्ना वहशियाना जुर्म करके सुकून दी जिंदगी जी रहे ने। इस मंदभागी घटना दा एक बेहद अफसोसनाक पहलू है।